वन मैन आर्मी बिहाइंड द कैमरा टुडे. बारिश हो रही है बाहर, कोई नहीं आया. व्हाई डू सम पीपल, वो नहीं होता है आप किसी को कॉल करते हो और ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है पहले. योर कॉल मींस वेरी मच टू मी. डजंट एबी हैव वन? एबी हैज इट ना. हमें जो है किसी से फड्डा करना है. व्हाट्स आई मीन, कौन सा यूट्यूबर हम हमारे साथ फड्डा करना चाहता है? जुनेजो इज बिट टू हाई और वो हमें नोटिस नहीं करेगा. किसे करना चाहिए सलीमी, किसे फड्डा करना चाहिए हमें? ज़ैनब फातिमा. The most wholesome. जब वो गोरे थे तो फिर भी उनसे बीफ हो सकता है, लाइक ईवा ज़ुबैक थी. ठीक है, या वो क्रिश्चियन बैट्समैन. द इफ वी हैड गॉटन इन ऑन द क्रिश्चियन बैट्समैन, जब उसका स्टॉक यहाँ पे था. पाकिस्तान, आई लव योर कल्चर. एंड आई लव आलू का पराठा. यू आर गोइंग टू फीड मी आलू का पराठा? एंड पीपल लाइक वाओ. इट्स नॉट जस्ट व्हाइट्स नाउ. वो एक बंदा अफ्रीका में भी है ना जो डांसिंग करता है. अच्छा, वो आजकल गाने गाता है और उसकी पता नहीं गर्लफ्रेंड है या बहन है या बीवी है या कौन है, उसके साथ वो बॉलीवुड डांसेस करता रहता है. वेरी स्ट्रेटेजिक. अगर हम नॉन स्टॉप नाइजीरियन डिशेस बनाए ना और नाइजीरियन एक्सेंट में बनाए ना, तो नाइजीरियंस विल स्टार्ट टू वॉच अस एंड लाइक दे आर टू ब्राउन पीपल. And they are making a great content in Nigeria. They love Nigeria. They we love. Call them over here. We are going to make them wasa wasa chicken. Saag. With mukai ki roti. बात यह है कि हम कुछ दिनों से इस रेसिपी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आजकल बारिशें धड़ाधड़ हो रही हैं. कुत्ते और बिल्लियों का बारिश हो रही है. हाँ, कुत्ते बिल्ली फिर नहीं रहे हैं. बारिश इतनी हुई है, वादू बारिश जब हो तो क्या कहते हैं? नहीं यार, मैं कहता हूं कि यार कोई चूहे वाला है. ऐसे बारिश हो रही है जैसे समंदर ऊपर से गिर रहा है. How's that? No, it's not like raining. The ocean is falling from the top. Okay, so why are we making saag? Because it's raining and it's a nice thing to because eat. Because it's a winter dish. Full of iron, by the way. You know a fun story about iron? Go on. My sister was recently, Asher, was recently like, you should take iron tablets because everyone is anemic. So I was like, okay. So then there are these chewable iron tablets. I had these for 2 days in a row. And then randomly I went to the washroom and I was like, what the? Quack. My potty is black. And then I was like, that's really weird, I'm really worried. And then I just looked it up and it says intestinal bleeding, you have intestinal bleeding. And I was like, quack. Pehli cheez hi, ya to ye hai, ya cancer. Yeah. So I was like, do I have intestinal bleeding? And I was like, I don't think so. And then I scrolled down a bit and said, are you taking iron supplements? Yes. If you're taking iron supplements, you might have black potty. So after this, we might have black potty, guys. After this, we'll show people our potties. Just after the tasting. day after the seer leke. Guys, don't worry, we will share our potty pics with you all. Guys, please like and subscribe for our potty pictures at the end, okay? If we can get 1 million likes on this video, we will we will share our potty pics. Yasir loves a big build-up. हाँ नहीं, build-up ये था कि साग का एक और वजह ये है कि we convinced अदील भाई कि he absolutely loves साग और उनके घर में हर वक्त साग बनती है और उनका एक famous dish है उनके घर में which is the साग. तो मेरी तरफ आ जाओ, मैं आपको साग खिलाता हूँ. हाँ. Where are we going, Yasir? We are going to a very secret location. And the thing about that this Tahaji song is. Rizzy's voice, he's like lowered it. Rizzy, now we baby, thodi galla kar. I need to listen to it more. You haven't heard it? और कोई नहीं था, इब्बी कभी आते यार? काम ही करता. चल. आलू को इसके लाएंगे. मैं सारी चीजें ना दिखाओ. This is a private secret layer of Adil Bhai. देखिए एक दिन जियो के साथ. सो कंफ्यूजन ये था कि मैंने आपको बताया था पालक का, लेकिन जब मैं उस दिन रेसिपी पाया था आप लोग बना रहे थे साग. मैंने कहा यार मैंने पालक का बताया था कि साग का बताया था. डिश रिवील. वापस
बिलीव ऑन है हमें उधर बात हो रही है दिस हैज द एक्चुअल साग टेस्ट स्पाइसी है मैंने वैसे अभी तक खुद नहीं चेक करा नहीं परफेक्ट स्पाइसी का बिल्कुल सही इट्स एक्चुअली वेरी वेरी नाइस तो बॉल मैं लेके देता हूं मेरे एक पीछे नहीं जाना एक मैसी वाली किक हो जाए यार ये तो बिल्कुल तुमने मैसी वाला किक नहीं लगाया सो आई टाइप्ड अप साग रेसिपीज और मेरे सामने एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी आई तो मैंने कहा कि यार इनका चेकआउट करते हैं दैट इज अ शिल्पा शेट्टी गाइस शिल्पा शेट्टी हैज अ साग रेसिपी एंड इट सीम प्रीटी सिंपल हम अपने चैनल पे सरसों दा साग नहीं बनाए I love how she actually made an effort to say सरसों का नहीं सरसों दा साग सरसों दा साग बदुआ She's giving बदुआ बत्तू कहते हैं When I went to the grocery store, I was like, बातू, sorry. बातू कहते हैं I was like, बतुआ, बतुआ. And then like, क्या मैं like, बतुआ And then somebody is like, साग बना रही हो मैंने कहा हाँ साग बना रहा है लाइक बत्तू होता है बत्तू यही है लुक एट ऑल दीस प्लांट्स दैट हैव नो डिफरेंस बिटवीन ईच अदर दे ऑल लुक द सेम दीस आर साग अच्छा आई ऑलवेज थॉट पालक एंड साग वाज द सेम थिंग दिस इज बत्तुआ बद्दुआ इसको 45 मिनट्स के लिए कुक होना है इसके अंदर व्हाट यस इन दैट टाइम वी कैन मेक मकई की रोटी हाँ मकई की रोटी भी बना सकते हैं एंड आई एम सॉरी मैं भी पहले हाथ धोऊंगा लेकिन मेरे नाखून काफी लंबे हैं बीच में मैं नाखून भी अपने जल्दी से काटूंगा I don't want to do it from my in my yes, house. Yes, yes. If you have a nail cutter, I need to cut my nails. Washroom. They don't go into my washroom. It's disgusting. Wow, wow. This is called. जब बारिश हो रही होती है, तो कपड़े इस तरह dry करते हैं. Light जली नहीं है. Sorry. नहीं. Oh, hey, don't go into my bathroom. आजा, आजा, वापस चलते हैं. वो वाला वॉक ना जो सॉल्ट पे नुसरत करता है इस तरह सॉल्ट पे इज लेम नाउ इज नहीं आपका हो गया नहीं मुझे अभी नाखून काटने हैं आई जस्ट कट देम हियर नहीं दिस इज डिस्गस्टिंग डोंट शो दिस एग्जैक्टली ए लो कौन है नाखून काट रहा है यार किचन में नाखून काट रहा है तो डस्टबिन है डस्टबिन में काट रहा हूं जैसे मैं निकला हूँ ना बारिश शुरू होगी कौन सी बारिश कैसी बारिश कुत्तों वाली बारिश ना कुत्तों वाली बारिश कुत्तों वाली बारिश That's what I was thinking about That's what it is I said there's one thing I can't stand is long nails. I hate it. Even I do. Like I see people like Athar dirty Athar. Ah! Athar you're dirty man. Assalamualaikum. इस वक्त मेरे खिलाफ एक बहुत वाहियात किस्म की साजिश हो रही है डर्टी अथर के नाम से एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें ये कह रहे हैं कि मैं गंदगी पसंद हूँ अगर मैं गंदगी पसंद होता तो मैं ये क्योंकि 99% जर्म किलर सैनिटाइजर निकल जा हाँ रही बात कि मैं अपने नाखूनों का ख्याल नहीं रखता ये मेरा नाखून है ये मेरे हाथ में ये सैनिटाइजर है ये दुनिया में मैं वही शख्स हूँ जो अपने नाखूनों का इतना ख्याल रखता है अथर की बात ना कर उसको अभी मैसेज कर देगा तेरे वीडियो के लिए 2019 में इस झूठे मकार लाइन पर्सन ने कहा था कि ये म्यूजिक वीडियो बनाएगा मेरे लिए 2019 में आज तक नहीं बनाई इसने वेयर इज माय वीडियो मेरी वीडियो किधर है मेरी वीडियो क्या हो गया आपको और ये ठंड में जब बिकते हो ना आप अब मैं अपने हाथ धोऊंगा रुबरु पापा रबेरा ये तो मैं बाल में भी लगा सकता हूँ इससे क्या होगा है ना
too late for that. Yaar, are you ever going to get a hairpiece? I would like to get a hairpiece, वैसे. Huh? Yes. Okay, next palak. Palak ki khasiyat bata do. We grew this. Oh, it's from Puri. It's a bedia farm. It's a bedia guy. You know what Slimy asked me today? He's like, यार यार एक बात बताओ ये जो सुपरमैन स्पाइडरमैन है ना ये मूवीज में ही होते हैं ना ये असल में नहीं होते ऑब्वियसली असल में है मकड़ी ने जो है वो उसका क्या नाम होता है मकड़ी काटा निकला हीरो सलीमी यू वांट टू बी स्पाइडरमैन यार वो मकड़ी जो थी वो रेडियो एक्टिव थी नहीं जब वो काटता है ना तो वो पीटर जो है फिर वो बीमार हो जाता है और उसको मतलब क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कोरोना हो गया है फिर वो जब रिकवर करता है एक दो दिन बाद तो उसको अजीबोगरीब उसके साथ चीजें हो रही होती है जिसमें वो दीवार के साथ चिपक जाता है या और उसके हाथों से जो है वो क्या उसे कहते हैं उर्दू में जाला जाला निकलता है उसके हाथों से तो कोई आया है Oh, it's the Saag specialist, the Saag appreciator, the Saag lover. It's a Saag guy. It is a Mr. Saag. क्या हालात है भाई? मैं तो बिल्कुल dry हूँ. यार ये नहीं बनेगा आप लोगों से क्यों इसको तो टाइम चाहिए आपको नहीं पता हम आज की रेसिपी फॉलो कर रहे हैं किसकी शिल्पा शेट्टी की शिल्पा बाजी शिल्पा मैम उसके शौहर की रेसिपी ना फॉलो कर लूँ एक सेकंड उसके शौहर की कहानी बताया दीवान मुझे पता मैंने एक दफा फेसबुक पे आर्टिकल पढ़ा क्या मतलब आपको नहीं पता है सबको पता है यहाँ मुझे शौहर यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द शौहर की कहानी वो डाल दे कुंद्रा Serious allegations against Shilpa Shetty's husband, accusing him of sleaze. Shilpa had no idea apparently. Yeah, right. Shilpa's like, ये क्या हुआ? मुझे तो पता भी नहीं है. मेरे नहीं एक साथ क्या हो रहा है? ये देखिए मैंने दो-दो जैकेट पहने. फिर उसने तो मुझसे कोई सवाल भी नहीं किया. Oh, Adil bhai, you're cool. Adil bhai is going biking. यार यहाँ पे insert कर दे Adil bhai running slow mo. साथ ने बनाया था जिसमें मैं सिर्फ यूं कर रहा हूँ ठीक है और फिर साथ आस्ता आस्ता पीछे जाता है तो मैं एक ही जगह पे होता हूँ अच्छा हरी मिर्च मंगाई जी लेकिन तो, सिर्फ दो नहीं नहीं, नहीं कम है नहीं, हाँ, हरी मिर्च तो इसके अंदर पूरी आपने साथ क्योंकि स्पाइसी नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा ना इसके अलावा इसको खाएंगे किसके साथ मकई दी रोटी हम बनाएंगे वो इम्पॉसिबल है क्यों नहीं चावल देख लो ना लेकिन हम तो मकई की रोटी बनाएंगे कौन गूंदेगा कौन कोशिश तो करनी चाहिए कि नहीं अदिल भाई Yeah, guys, I'm getting very hungry. I'm getting very hangry. सरसों दा साग दे मकई दी रोटी सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ओह यू आर लुकिंग एट रूबी या लुक एट मकई की रोटी की रेसिपी हाँ ये वैसे बना सकते हैं अभी और अब इसको डालेंगे इस तरह से बड़े प्यार से यूं piece of cake cute piece of cake I love it oh adil bhai ek baat bataye new year's resolutions we just it's in the new year now happy new year everybody happy new year happy new year sabne happy new year kiya ke nahi bataye adil bhai kya new year resolution maine zindagi mein pehli baar resolution pass ki thi 2 saal pehle ki main eastern europe dekhne jaunga eastern europe तो उसी साल कोविड आ गया एंड जिंदगी में पहली बार मैंने रेजोल्यूशन फिर तो बस अब कोई रेजोल्यूशन नहीं क्यों It failed once and he's like no That's more. it you are giving up यार नहीं मैं वैसे चुप करके कर लूंगा मेरा इस साल भी यही है कि नहीं आपको अभी अनाउंस करना होगा पब्लिक के सामने क्या आपका इस साल का क्या है रेजोल्यूशन 2022 का जी Atif's friend. He's already Atif's friend. That was last year's achievement. No, Adil bhai is Atif's best friend. Sarson da saag te makai di roti sada Punjab सिर्फ
पंजाब में होता है क्यों? साग का कनेक्शन क्या है पंजाबियों के साथ? यार ये तो मुझे नहीं पता, प्रोबेबली बाकी उसमें इंडियन रीजन में भी उगता ही होगा फॉर श्योर। नहीं, इंडिया की कौन बात कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। सिंध बलोचिस्तान ते केपीके में साग नहीं उगता। मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ। या लेकिन सरसों इज नॉट जस्ट फॉर साग ना, सरसों का तेल निकलता है जी बाल में। आप पुरानी जितनी कुकिंग होती थी वो सरसों के तेल में होती थी, बट एक्चुअली में तो ये इस रीजन के साग जैसे ना कि आप बड़े बड़े तुझे देखा तो ये जाना सनम। DDLJ में भी यही करते हैं वो, मेंशन ब्यूटी है ना, इसका फूल लगता है और ये वाला सीजन होता है सर्दी का, तो सर्दी में तो ये बिल्कुल मतलब बस सर्दी आएगी तो फिर आपने साग के साथ खाना है, सरसों ही खानी है। ये क्या कर रहे हो? सॉरी पानी, मकई की रोटी बना रहा हूँ। 2 cups of मकई, हाँ, and 1 teaspoon of salt, and now I'm adding aista aista water to the salt to make the dough. इस तरह से भी मसल सकते हैं। अजी भाई, how's this update? लेकिन अगर हमारा पेस्टी ज्यादा ना हो, अगर थोड़ा सा हल्का टेक्सचर भी चल सकता है, है ना, तो ऐसा ना लगे कि मैं घास खा रहा हूँ, वो मैं सीधे ही जाके दरख्त से खा लेता। पहले एरोप्लेन बना दो। ठीक हाँ, ओके ओके। Big aeroplane. Plane है? ये किसने बनाया? ये तो मुझे जंगी जहाज बना रहा है ना। AR का क्या मतलब है? AR का प्लेन है ये। मैंने वो बस वाली पिक्चर, प्लीज वाली पिक्चर। I'm gonna dub the voice with something else. Hello यार, शाह बात कर रहा हूँ। I'm the Shah, Muhammad Shah. तो यार मुझे सुन के दुख हुआ कि मुझे टच कर दिया। अदील भाई की तरफ मैंने भी जाना था, मैंने भी उनकी माँ की हाथ का साग खाना था, मुर्तजा का जहाज देखना था। यार यार सुन रहा है ना मुझे? आपको अदील भाई पता है चीनी इज एन एडिक्शन। Chinese को उर्दू में चीनी कहते हैं ना। The Chinese are a drug. They are lethal. चला उनको बाय बाय करें। छुरा के दिल मेरा गोरिया चली। Half a broccoli. ये पूरा डालें हम। Guys, broccoli. Because Shilpa said so. Even though I doubt के पाकिस्तान में इस तरह होता है। अभी और डालना है ये सारा। यार कर लेते हैं ना, fun होगा। I think we failed anyway. Gotta fail. It doesn't look right at all. It looks perfectly good, yeah. I think Shilpa went wrong. She said 1 cup of water. Usne cup dala nahi tha. She put in way more than that. Toh bas theek hai na? It's okay. Cooking is all about making these forgiveness. Adi bhai, jitna zyada cook karte rahenge, behtar hoga ke overcook ho jayega? Yeah, no idea. I think even more water. Oh, char tablespoon dal rahe hain. What you are doing? Huh? What are you doing? Phone pe? Kya are you? शिल्पा को टैग किया है, गुड। जो भी स्टोरी बनाएगा शिल्पा को टैग करे। गाइस, इस एपिसोड में अगर आप हमारी कोई भी स्टोरी बनाओ, मेक श्योर दैट यू मेक प्लेंटी ऑफ स्टोरीज और सब टैग करो शिल्पा को। हमारी रेसिपी हम जो है बस समझ गए आप। टैग द शिल्पा। टैगर तड़का बना रहे हैं। तड़का हेलो, कितने घंटे हो गए आपके फास्ट को? नहीं, मैंने खा लिया, मैंने बिस्किट खा लिया। माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, लूज ऑल माय एक्सेस वेट, स्ट्रेंथन अप माय बॉडी, स्ट्रेंथन माय बैक। बिकॉज आई टेल यू गाइस वन थिंग, जिंदगी में जो है ना आपके बच्चे होते हैं ना, व्हाट योर किड्स डू इज टेक योर स्पाइन एंड ब्रेक इट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ऑल यूर 12-year-olds एंड 13-year-olds एंड एवरीबॉडी, व्हेन यू ग्रो अप, जब आपके बच्चे होंगे, मेक श्योर दैट बॉडी वाइज स्पेशली आपका बैक जो है ना, बैक मसल्स और स्पाइन जो है ना वो सही मजबूत होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ लिफ्टिंग इन्वॉल्व वंस यू हैव किड्स। बाय द वे, आई वांट टू कंग्रेचुलेट मिस आगा मलिक फॉर बिकमिंग सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। शी इज नाउ
part of our judiciary system by coming to the top echelon and joining the Supreme Court. She's the youngest Supreme Court judge, right? Yes. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जो जज हैं उनकी तैनाती के इम्कानात रोशन हो गए हैं, जस्टिस आयशा मलिक। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का अहम तरीन मरहला आज कामयाबी से हल हो गया है। Congrats to her. Congratulations, आयशा मलिक। अब टमाटर भी ऐड करें। इसका एक पेड़ा बनाओ। पेड़ा पेड़ा And now I'm gonna start ice rolling. Nice, very nice. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pura garam pani. 100 degrees. Yeah. Actually, the worst looking mukkegi roti. What are you talking about? That's a good looking roti. So proud of us. Give me a bite. I think that's okay. I feel like I'm in the gaon. Kaun se pint pahunche hum yaar? Ahmedabad ke kis kone mein hai abhi hum? My hometown, Mangalore. We are in Mangalore right now. Bismillah. Itne aggressively kyun kiya? Nahi, abhi tak ye saag nahi bana. I'm just not feeling saagi feel right now. I mean, it just tastes like solid, nahi? Now we just leave it, hai na? बाद में उसी शाम। I would like to congratulate the new Supreme Court Justice Ayesha Malik. She's in the Supreme Court. Welcome back. It wasn't easy. Yeah. But I did it. There was a lot of resistance. Are you happy? I'm really happy. She's part of the justice system. The Justice League. She's part of the Justice League. A Zack Snyder's Justice League. Well done, Asher. Well done. It's too long just to cook plants, man. Yeah, I feel sorry for vegetarians. Imagine waiting like 3 hours and you cook this. It looks like Parizat Brown Munde. Parizat Brown Munde. अरे कोई परिजात की तो कहानी बताएं. सुने आजकल लोग बहुत ज़्यादा परिजात ब्राउन होना पसंद कर रहे हैं. It is a good thing. फखर है या नहीं, लेकिन कॉलेज में अगर किसी का भी अब रंग डार्क है तो उसको लोगों ने परिजात कहना शुरू कर दिया. तो अधिवाय इसे तो आपका जो है वो जो ब्रांड नहीं है जो फेयर एंड लवली ग्लो एंड लवली अब ग्लो एंड लवली हो गया है. और जेंटलमैन के लिए क्या फेयर एंड लवली क्या फेयर एंड हैंडसम अब ग्लो एंड हैंडसम हालांकि इट वाज ऑलवेज ऑल डार्क हैंडसम. इनके लिए तो ये ड्रामा मस्ट हैव प्रूवन टू बी डेट्रिमेंटल टू देयर बिजनेस. Now people are happy to be dark. Good evening and welcome to the real story of Parizad. Parizad, as you may know, was an unfortunate fellow, ugly as sin and extremely dark, which in those days meant you were, well, the lowest of the low. In this short scene, Parizad goes to his one and only friend, Nasaz, also a very, very dark fellow. And asks him for some much needed advice. Enjoy. देखो ये बाहर निकलो अपनी इस शक्ल और शख्सियत की फिक्र से. ये सब चीजें मैटर नहीं करती. लेकिन करती है नासाज. असल चीज ये है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम जिंदगी में कहाँ पहुंचते हो, कितनी स्ट्रगल करते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुम्हारी अचीवमेंट्स क्या है. ये चीजें मैटर करती है इंसान की जिंदगी में, ना कि वो दिखता कैसे. जिस दिन तुम कामयाब होगे, जिस दिन तुम अमीर होगे, दौलत मोहब्बत शोहरत ये सब तुम्हारे कदमों में होंगी. सबसे पहले ज़रूरी है अपने आप को पहचानो, अपनी मंजिल का तायुन करो, अपने रास्ते पे चलो, कुछ बनो. ये मोहब्बत शोहबत अब इस कॉलेज में आए हो, अभी दो किताबें पकड़ ली हाथ में, एक लड़की मल्ले में जो पहली नज़र आई उससे प्यार हो गया, उसी के गम में ज़िंदगी गुजारनी है. ये बेवकूफ़ाना बात है. ऐसे 17-18 साल में प्यार हो जाता है, आदमी ने 70-72 तक जिंदा रहना होता है. ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती. असल चीज़ ये कि तुम कहाँ पहुँचते हो अपनी ज़िंदगी में. और थोड़ी सी अगर तुम दाढ़ी उगा लो और थोड़े से कपड़े बेहतर कर लो तो शायद तुम एडजस्ट हो जाओ, मुझे लगता है. ठीक है नासाज, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा. हाँ जाओ, पहले कुछ बन के दिखाओ. मैं ज़िंदगी में तरक्की करूँगा. हाँ जाते हुए कैंटीना ले लो ना, दो चाय का ऑर्डर ले लो. मैं कामयाब बनूंगा नासाज. यस माय फ्रेंड. मैं करूंगा मैं वही करूंगा जैसे आप कह रहे हो.
I'm happy. I'm motivated you. फिर मिलते हैं हम तकरीबन 20-25 साल में. हाँ, 10-12 साल कर लो. नहीं, मुझे टाइम लगेगा ना पैसे बनाने में. इतना टाइम ना लो ना. नहीं लगेगा इतना. 5-8 साल में हो जाता है. गलत राह पे जाना ना, सही रास्ते पे नहीं जाना. गलत रास्ते. ठीक है, डन. अल्लाह हाफिज. आई होप यू एंजॉयड दैट सीन. नाउ approximately 10 years have passed. Parizad has become extremely successful based upon the advice Nasaz has given him. But with this newfound success has come many other vices. Now, Parizad is a murderer, a kidnapper, a corrupt official. But worst of all, he's still dark. Nasaz. मैं अमीर बन गया हूँ. कामयाब भी. जी. दुनिया इज्जत भी करने लग गई. बहुत तरक्की किया मैंने. लोग जानने भी लग गए. ऐसे वैसे. लड़की मिली? नहीं मिली ना. आई वॉज रॉन्ग. क्या यार, शक्ल ही सब कुछ. अपेरेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज. माइकल जैक्सन कितना बड़ा म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, परफॉर्मर. But he was not satisfied because society के standard अच्छे को गलत को है ना. Accept it. लेकिन नासाज, आप ही ने तो कहा था कि I was wrong ना. मुझे नहीं पता था. मैं अब देख रहा हूँ अच्छे भले लोग हैं भाई. कोई बोटॉक्स करा रहा है, कोई नोज जॉब, कोई जॉ लाइन. क्यों करा रहे हैं? इम्पोर्टेंट है तो करा रहे हैं ना. तो मेरे पास पैसा आ गया, मैं अपने आप कराओ सारा कुछ. मेरी जान सेट करा लो बिल्कुल. मेरी तरफ से तुम एंजेलिना जूली बन के आई हो. आई डोंट माइंड. अब नहीं लोग देखते यार. वो गए जमाने. वो हम लोग जिस जमाने में कॉलेज के टाइम पे बैठ के बातें किया करते थे, उस जमाने में अच्छी लग रही थी. शख्सियत ही सब कुछ होती है, किरदार. यार आगे चलो, तुमने जिंदगी पे फंसे रहना बस कर दो यार. इतना मसला नहीं है तुम्हारा. इस तरह के तुम ऐसे कह रहे हो, तुम्हारा रंग और तुम्हारी शक्ल का भरा हुआ ये मुल्क यार. कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है. रह रहे हैं ऑलरेडी लोग, दोस्त भी हैं उनके, शादियाँ भी हो जाती हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, नौकरियाँ भी करते हैं. कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं. क्या हो गया? आप क्या कह रहे हैं? ये तुम बदल गए हो नासाज. ज़ाहिर है भाई, बदलना चाहिए ना. मैं मतलब कि वही कॉलेज के टाइम में ही रहूँ, बस वही शेर पढ़ता रहूँ, लेकिन वही सिगरेट पीता रहूँ. मैं भी मर जाऊँ. मैंने भी अपनी ज़िंदगी में स्टेप लिया ना, आगे बढ़ा हूँ. एक लड़की कितनी प्यारी. ठीक है. यस yes. यही करना पड़ेगा. देखो पहले भी मैंने तुम्हें मशवरा दिया, फ़ायदा ही हुआ ना. अमीर ही हुए ना. अमीर तो बहुत. ठीक है, मेरे कहने पर चले ना. अभी तक देखो टैग वाले कोट लगा के फिर रहे हो ना, बस आगे भी फ़ायदा ही होगा. आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं? अल्लाह का शुक्र सब कुछ. मैं तुझे मशवरे देता हूँ, तू मेरे लिए आएगा. है पैसे? नहीं पैसे नहीं है, वो मुझे पैसों की बात नहीं करनी. पैसे नहीं लेता मैं, बस पार्टी वार्टी पे बुला लिया कर. कोई आता ही नहीं हमारी पार्टी में, मैं इसलिए तो आपके पास. बेटा पैसा फेंक, तू देख कौन कौन नहीं आता. सारे तेरे बेस्ट बडीज हो जाएंगे. मैं 2-3 चीज़ें बताऊँगा, वो मंगवानी है बस. And that, dear audience, concludes our story of Parizad. I hope you enjoyed, although it is a dark tale full of murder, tragedy, loss, regret. The moral of the story, dear audience, is never, ever trust Adil Bhai. Thank you and good night. क्या मतलब है? सार तो मलाई होती है. तो जी भाई, हमारे पास ग्राइंडर नहीं है ना, हमने ब्लेंड नहीं किया इसे. अभी इसके ऊपर एक बड़ा सा मक्खन का जो है ना गिट्टी डालेंगे हम. कैसा? परिजात ब्राउन मुंडे, आपने सही कहा, मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं है. सॉरी अजय भाई, आ जाए जल्दी से. आई नो इट डजंट टेस्ट बैड एट ऑल, बट इट कुड हैव बीन बेटर. नमक ज्यादा कर दिया आपने. नमक ज्यादा कर दिया? सलीम आजा. इसका भी कुछ टेस्ट तो है, जो भी है सही है. ये हमारे स्टाइल में. ये हमारे स्टाइल में बर्गर स्टाइल. मैं वाला वेजिटेरियन. बट वेजिटेरियंस हैव अ हार्ड लाइफ. इतनी लंबी चौड़ी बहस हो रही थी इसी बात पे. किसके साथ? ऐसे ही आसपास के जो मजाक उड़ाते हैं. मैंने उनसे ऐसी कहा, मैंने कहा देखो नेचर में पावर, हमें हमारा यही कॉन्सेप्ट है ना, गो से ताकत आएगी और उसके लिए हम कहते हैं शेर. देखा ना शेर को कितना ताकतवर. मैंने कहा शेर को लेके हल चला सकते हो? हल बैल चलाता है, कुएं से पानी बैल निकालता है, ऊंट सफर करता है,
हाथी में है ताकत, गेंडे में है ताकत, ये सब घास खाते हैं। मतलब अगर मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्वियसली आपको फ्रूट प्रोटीन वाइटामिन सबको चाहिए ना, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, वेजिटेरियन हो जाएंगे तो आप बड़े ही बिल्कुल ही डेड हो जाएंगे, डील हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, ये मुझे नहीं थोड़ा सा समझ आता। वैसे ही मैं आई एम नॉट अ एक्सपर्ट टू गिव ओपिनियन, बट दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। दिस इज द सेम थिंग एज अगर आप काली चाय पिएंगे तो आप काले हो जाएंगे। इट इज जस्ट अ नॉनसेंस। तो नेचर में जो इजीली फूड है वो सबसे ज्यादा प्लांट्स ग्रीन है, तो हमें इस तरफ भी जाना चाहिए। होप यू गाइस एंजॉय दिस एपिसोड। साग वी मेड आई गेस इन सम वे एंड ग्रेट सक्सेस, प्रीटी सक्सेसफुल। आई वांट टू ईट मोर। It tasted nothing like saag, but still. So please like, share, comment, subscribe. What should I comment? Congratulations, Justice Aisha. Congratulations, Justice Aisha Malik. Congratulations to me Lord, Justice Arthur Malik. Okay, thank you, bye. यार मैंने भी साग खाना था।